Hello students, I'm really very happy that you chose me as your educator for taxation subject and studyathome.org as your tutorial. Student, before I start, let me introduce myself. I'm CA Raj K. Agrawal. I qualified CA all through with All India rank, and since then I'm into teaching. I have teaching experience of 10 years. And till date, I have taught 25,000 plus students all across globe. Since I have been providing my classes into online mode also, so I have students sitting in Dubai, sitting in Pakistan, sitting in Sri Lanka, and so many other places of the globe. Student, I really love teaching. I'm more passionate about teaching, and therefore I chose teaching as my career. I am presenting so many subjects to the student for CA, CS and CMA courses. I have also authored numerous books for these professional courses, which has been authored by renowned publishers of India like Taxman Publication, Bharat Publications, Suchita Prakashan and many more publishers. Student, before you start up with my lectures, I want certain things to be shared with you. Those things are really very important to be taken care of, that need to be thought, that need to be understood, that need to be kept in your mind while doing my courses. So I'll just tell you a few things which you need to take care while doing the courses. आइए आपको एक-एक करके वो सारी बात बताते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जिन चीजों के बेसिस पे आपको क्लासेस को अच्छी तरीके से समझना है, ताकि एक प्रॉपर कोर्स कंप्लीशन किया जा सके. स्टूडेंट, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ऑर्डर ऑफ लेक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ लेक्चर? बेसिकली मैंने लेक्चर्स को एक सीरिएटम में, एक ऑर्डर में कराया है. और बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि बच्चा अपनी प्रायोरिटी से, स्टूडेंट अपनी प्रायोरिटी से चूज कर लेता है कि मुझे ये चैप्टर अच्छा लगेगा, पहले इसे कर लेता हूं. दैट हैज टू बी अवॉइडेड. उसे पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए. लेक्चर उसी ऑर्डर में, उसी फ्लो में कीजिए जिस ऑर्डर में, फ्लो में हमने कराया है. यू विल फाइंड इनकम टैक्स जो है वो इस तरीके का कोर्स नहीं है जो ऐसे चलता है सीधे 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 सीधे. ये इनकम टैक्स का कोर्स है या फिर जीएसटी का कोर्स है, ये इस तरीके से चलता है. हर दिन कुछ पुरानी बात भी आती रहेगी. हर प्रोविजन एक दूसरे प्रोविजन से कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा. तो मुझे बहुत बार क्या होता है, पुरानी बात का रेफरेंस भी लेना पड़ता है. और अगर आपने मेरे फ्लो को ब्रेक किया या फिर अपने से कोई भी चैप्टर ऑप्ट कर लिया पढ़ने के लिए, तो आप उन चीजों को मिस करेंगे और शायद वो क्लैरिटी ना आए जो मैं देना चाहता हूं. तो ऑलवेज अवॉइड चूजिंग चैप्टर ऑफ योर चॉइस, डू इन द ऑर्डर इन विच आई हैव टॉट. राइट स्टूडेंट्स, चलिए दूसरी बात बताता हूं. दूसरी बात है एग्जाम्पल्स जो मैं आपको कराता हूं आफ्टर एवरी प्रोविजन थ्रू आउट द टैक्सेशन सब्जेक्ट. हर प्रोविजन के बाद मेरी आदत है कि मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कराता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं जिससे प्रोविजन की क्लैरिटी आपके दिमाग में आए. और ये एग्जांपल एट द सेम टाइम मैं क्रिएट करता हूं, मैं एग्जांपल क्लास में क्रिएट करता हूं आपके सामने ही, और आपको उसे सॉल्व कराता हूं, प्रोविजन को अप्लाई करना सिखाता हूं. बेसिकली प्रोविजन में कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें इंसान ओवरलुक कर ही देगा. आई नो कि ये वाली बात ओवरलुक हो जाएगी, और इसीलिए एग्जांपल क्रिएट करते हैं ताकि वो बात ओवरलुक ना हो, आपको फिर से वो बात की समझ बैठ जाए कि ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है. बच्चों को लगता है कि प्रोविजन तो इतने आराम से समझा है, बात समझ में आ गई है, एग्जांपल भी दिमाग में बैठ गया है, और एट टाइम्स वो उसे नोट नहीं करते. बिलीव मी स्टूडेंट, अगर आप ये एग्जांपल नोट नहीं करेंगे तो आप एग्जाम के समय कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे. At times you'll find कि इनकम टैक्स का एक पन्ना, बुक का एक पन्ना हम आपके साथ कर रहे हैं और पूरी पूरी क्लास लगा दी है सिर्फ एक पेज में. बताइए अगर एक पेज में मैं आपके साथ पूरा एक घंटा लगा दे रहा हूं, डेढ़ घंटा लगा दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारी बात की है हमने. और वो सारी बात कैसे की? एग्जाम्पल के थ्रू की है.
ये बहुत बड़ी जरूरत है आपकी कि आप उन एग्जांपल्स को नोट करें ताकि प्रॉपर रिवीजन एग्जाम के समय आप कर पाए। तो नोटिंग इज 100% इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरी बात है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन एट द एंड ऑफ चैप्टर। चैप्टर के अंत में क्या होता है, बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कई प्रोविजंस को एक साथ अप्लाई करना होता है। जब चैप्टर हम कर रहे होते हैं तब तो हम एक एक प्रोविजन पे एक एक एग्जांपल बनाते हैं, फिर चैप्टर के अंत में जब पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है तो आप बड़े क्वेश्चंस देखते हो। एक ही क्वेश्चन में हम कई सारे प्रोविजन को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप उस पूरे चैप्टर को पूरी तरीके से कम दो बार रिवाइज करें और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ क्लास में सॉल्व करते हैं, लेकिन जो भी बच्चे मुझे वीडियो के जरिए देख रहे हैं क्लासेस को, मैं हमेशा यह बात बता देता हूं कि देखिए अगली क्लास में हम लोग आएंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चे वीडियो के जरिए कर रहे हैं क्लास को, वो बच्चे अगला वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का तभी करें जब उन्होंने पूरे चैप्टर को कम से कम दो बार रिवाइज कर लिया है। बिलीव मी, अगर आपने चैप्टर रिवाइज नहीं किया और मेरे साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर देते हैं आप, तो आप सिंपली कॉपिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं, आप छपाई का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। जब आप सारे प्रोविजन को समझ के बैठे होते हैं, पूरा याद करके प्रोविजन को बैठे हैं और फिर मैं आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो आपका दिमाग चलता है और आप में कॉन्फिडेंस गेन होता है कि यस आई हैव कमांड ओवर दिस चैप्टर एंड आई कैन डू दिस, अदरवाइज आप सिंपली कॉपिंग कर रहे हैं। जो कुछ सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस वगैरह होते हैं वो मैं आपको कभी कभी क्लास में बोलता हूं कि ये सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन आप घर पे देख लेंगे, खुद से देख लेंगे। तो जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं वो तो सारी चीज ही घर पे देख रहे हैं, हालांकि वो बात मैं बोलता हूं फेस टू फेस स्टूडेंट के हिसाब से कि ये इलस्ट्रेशन आप घर पे देख लेंगे। घर वाले बच्चे तो घर पे सारी चीज देख रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि घर पे देख लेंगे, इसका मतलब यह है कि आप उस इलस्ट्रेशन को देखें एक बार प्रोविजन को रिवाइज करके। देखने का मतलब यह है कि इलस्ट्रेशन को खुद से सॉल्व करें, और अगर वो सॉल्व ना हो पाए तो सिंस वो सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन है तो सॉल्यूशन से मैच कर लें। बच्चों कभी घबराइएगा नहीं, अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और आपसे गलती हो जा रही है तो यह कॉन्फिडेंस लूज नहीं कीजिएगा कि आप कर नहीं पाएंगे। ऐसा होगा कि आप टैक्सेशन सब्जेक्ट जब स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक दो बार गलत हो रहा है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक भी यही है, राइट। हम इतने एक्सपर्ट थोड़ी ना हो जाएंगे कि एक बार प्रोविजन सुनेंगे और सीधे सही करेंगे। लेट इट बी रॉन्ग, एक दो गलत होगा, आप उसको मैच करेंगे, आपको अपनी गलती समझ में आएगी कि आप कहां पे गलत हो जा रहे हैं, और फिर उसके बाद देखिए आप थॉरो हो जाएंगे और सब कुछ सही करेंगे। लेकिन अगर प्रोविजन याद करके कर रहे हैं तब। तीसरी बात करेंगे आपसे अमेंडमेंट की, ये चौथी बात हो गई। टैक्सेशन वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट होंगे, फ्रीक्वेंटली चेंज होने वाला लॉ है ये टैक्सेशन। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये कैसे अमेंडमेंट से हम कैसे कोप अप होंगे। बिलीव मी, अगर आपने राइट एग्जाम के लिए मुझसे लेक्चर परचेज किए हैं तो आपको फुल्ली अमेंडमेंट लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स ही मिल रही है। लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपने मुझसे कुछ समय पहले लेक्चर्स लिए थे, एक लास्ट एग्जाम के लिए लिए थे विच आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर लास्ट रिजॉर्ट पे कोई एक ऐसी अमेंडमेंट है जो कि एप्लीकेबल होनी तो नहीं चाहिए थी, फिर भी इंस्टीट्यूट ने कहा कि नहीं ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, या इंस्टीट्यूट ने रिवीजन टेस्ट पेपर निकाला, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह निकाला, और मैं चाहता हूं कि यह बात बच्चों को बताई जाए, ठीक है, एक बार और बताई जाए, चाहे वो रिपीटेशन ही सब्जेक्ट का क्यों ना हो, और या फिर वो अगर अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट बताई जाए बच्चों को। ये अमेंडमेंट्स की जो भी क्लासेस होती हैं बच्चों, ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन द वेबसाइट onlinelearn.org। कौन सी वेबसाइट है? www.onlinelearn.org
learn.org. आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए, onlinelearn.org. इस वेबसाइट पे इमीडिएटली जाके आप अपनी आईडी तो जरूर बना दीजिए. आप इस वेबसाइट पे पाएंगे कि पहले से कुछ ऑलरेडी फ्री सब्सक्रिप्शन वाले अमेंडमेंट लेक्चर्स वगैरह ऑलरेडी अपलोडेड है. इस पे एक विशेष फायदा यह है कि इस पे सिर्फ हमारे ही अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं, कुछ और भी अच्छी फैकल्टीज के अमेंडमेंट्स वीडियोस ये सब आपको यहां पे मिल जाएंगे फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है. और आने वाले पीरियड में आपके कोर्स से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स वगैरह की क्लासेस आएंगी, वेदर एट अ नॉमिनल चार्ज और फ्री सब्सक्रिप्शन व्हाटएवर, वो आपको यहां पे अमेंडमेंट आपके लिए जो रेलेवेंट होंगी वो भी अवेलेबल होंगी. अमेंडमेंट्स वगैरह को हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे क्यों देते हैं, इसके पीछे कारण बताता हूं आपको कि बच्चा यहां पे सब कुछ ऑनलाइन है, दिस कंप्लीटली ऑनलाइन. आप आईडी बनाते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं और आपकी आईडी के अंदर वो सब्सक्रिप्शन आ जाती है और वो ऑनलाइन चलता है, वो पूरा अमेंडमेंट क्लासेस आपका सब कुछ ऑनलाइन चलेगा इस वेबसाइट पे, राइट. ऑनलाइन चलेगा मतलब 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ चलेगा. लेकिन जियो के जमाने में आई होप किसी को इंटरनेट कनेक्टिविटी की तो दिक्कत नहीं होती होगी, और फिर थोड़े बहुत लेक्चर्स देखने हैं तो स्वाभाविक सी बात है कोई दिक्कत नहीं है, राइट. तो आप इस पे देख पाएंगे, इमीडिएट देख पाएंगे, ये सबसे अच्छी फायदे की बात है. स्टूडेंट, जो हमारी studyathome.org वेबसाइट है, इस पे हम आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करते हैं वो कंप्लीटली ऑफलाइन वीडियोस होते हैं, फुल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, राइट. चाहे आप डाउनलोड लिंक के माध्यम से उसे लेते हैं या पेनड्राइव के माध्यम से लेते हैं, दोनों ही मोड में क्या होता है, आप आगे जब वीडियो को चलाते हैं तो ऑफलाइन मोड में ही चलाते हैं, भले आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए डाउनलोड करने के लिए, एक बार लेक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर डाउनलोड लिंक. बट वंस यू हैव डाउनलोडेड और यू हैव टेकन पेन ड्राइव, फर्दर जितनी भी रनिंग ऑफ लेक्चर्स है दैट इज कंप्लीटली ऑफलाइन. बट दिस वेबसाइट onlinelearn.org इज अ कंप्लीट ऑनलाइन वेबसाइट वेयर आई एम प्रोवाइडिंग चैप्टर वाइज कंटेंट और आई एम प्रोवाइडिंग अमेंडमेंट्स, राइट. एक एक करके बात कर लेते हैं, अभी हम चैप्टर वाइज वाली बात पे दोबारा भी चर्चा करेंगे आपसे. पांचवी बात ये कि स्टूडेंट मेरी बुक में, टैक्सेशन बुक में कुछ अनसॉल्व एक्सरसाइजेस भी हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर. ये जितने भी अनसॉल्व एक्सरसाइजेस हैं हम आपके साथ क्लास में करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं बस लिखते नहीं है. डिस्कस कर लिया कि ये अलाउड है, ये डिस अलाउड है, ऐसा ऐसा होगा, टैक्सेस ऐसे निकलेगा, डिस्कशन कर लिया, बस उसे लिखा नहीं आपके साथ बैठ के, क्योंकि उसी वैरायटी के एक क्वेश्चन को हमने कर दिया था, तो हमें लगा कि एक दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं एंड लेट देम राइट ऑन देयर ओन, एज बिकॉज दे हैव टू सिंपली कॉपी एंड पेस्ट द सॉल्यूशन फ्रॉम द अदर क्वेश्चन सॉल्यूशन. तो ऐसे सारे सॉल्यूशंस, जितनी भी अनसॉल्व एक्सरसाइजेस है हमारी बुक में, उन सभी के सॉल्यूशन ईबुक नाम का एक सेक्शन है वेबसाइट पे. कौन सी वेबसाइट पे? द सेम वेबसाइट, इस पे ईबुक नाम का सेक्शन है जहां पे फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है. सॉल्यूशन आप वहां से फ्रीली सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी आईडी में आ जाएगा एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन टू द सॉल्यूशन. लेकिन स्टूडेंट, सॉल्यूशन आप सब्सक्राइब तो कर लेंगे लेकिन देखेंगे तभी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. आपने सॉल्व किया और आप अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि वो सही है कि नहीं, तभी आप सॉल्यूशन से मैच करेंगे. सॉल्यूशन सब्सक्राइब जरूर करना है लेकिन सॉल्यूशन देख के कॉपी में अपने कॉपी नहीं करना है, ठीक है. और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों कि onlinelearn.org पे हम लोग हर कोर्स के, CA CS CMA के डिफरेंट कोर्सेस के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर्स को चैप्टर वाइज सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल करा दिए हैं. इनफैक्ट आप ऐसे समझिए, बहुत सारे बच्चे बहुत समय से मुझे ये बात बोलते थे, सर मुझे ना पूरा कोर्स नहीं करना, ये पर्टिकुलर कॉस्टिंग में ना ये तीन चैप्टर ही मुझे बस करने हैं, as because I have already done my face to face class, I have already taken 2 years back some online classes, but is teen chapter mein I am facing difficulty and I want to go only for it. to jab mujhe samajh mein aaya ki regularly bacche in baaton ko kar rahe hain, that means aisi ek gap hai market mein jo mujhe fill karni chahiye. aur bachcho jab
नीड दिखाई देती है ना, तो निश्चित है एक जज्बा दिखाई देता है कि इस काम को तुरंत करना है बच्चों की सहूलियत के लिए और बच्चों को यह फायदा पहुंचाना है। तो बच्चों इसीलिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया onlinelearn.org, ताकि हर कोर्स के हर सब्जेक्ट के आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएं, और वो भी बड़े ही नॉमिनल प्राइस पे। आज की तारीख में तो कुछ चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं विथ हंड्रेड रुपीज से, राइट? तो 100, 125, 150 एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ दैट चैप्टर, कि वो भाई चैप्टर कितना भारी है उस हिसाब से प्राइसिंग है, वेरी नॉमिनल प्राइस पे वो अवेलेबल है। तो आप किसी भी कोर्स के चैप्टर वाइज सब्सक्रिप्शन भी चाहते हैं तो आप वहां से अवेल कर सकते हैं। खास बात, आप जैसे ही इसे बाय करते हैं वो आपकी लॉगिन में आ जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और आप उस लेक्चर को प्ले कर सकते हैं, ठीक है? एंड आई होप हमने सारी बात आपको समझा दी कि किस कदर आपको कोर्सेज को करना है, कहां से सॉल्यूशन देखना है, कहां से अमेंडमेंट्स वगैरह आगे की देखनी है आपको, किस ऑर्डर में आपको फ्लो करना है लेक्चर के साथ, एग्जांपल्स वगैरह नोट करने हैं, ये सारी बात बता दी। अब आप हमारी टैक्सेशन क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट व्यूइंग माई टैक्सेशन लेक्चर फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 नाउ। सो आई विल से यू कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड बाय।